आरजेडी की करारी हार हुई है, क्या लगता है तेजस्वी यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का नैतिकता से 36 का वास्ता है, दूसरे एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजपता हो, जिस व्यक्ति में मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी हो, राजबल्लभ यादव जैसा दुष्कर्मी हो, इलियास हुसैन जैसा भ्रष्टाचारी हो, उस पार्टी से आप नैतिकता का उम्मीद करते हैं, नैतिकता के पालन का उम्मीद करते हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बकवास की बातें हैं। इसलिए उनकी पार्टी है, वो किस तरह चलाएं, कैसे उभरेंगे इन कठिनाइयों से, उनका अंदरूनी मामला है। हम कौन होते हैं, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब सुझाव मांगे तो सुझाव देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल को 2020 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है तेजस्वी की, वो कैसे बची रहे, कैसे राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के पद पर काबिज रहे। तो कह रहा है कि वो भावी मुख्यमंत्री, चूंकि अब देखिए सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, कलाम साहब कहते थे आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। लोकसभा में शून्य पर आउट हो गए और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको कौन रोकेगा, देखते रहे इस तरह का दिन में ख्वाब। सच्चाई ये है कि आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए, पद के लिए, प्रतिपक्ष के नेता पद के लिए 25 विधायकों की दरकार है, और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को महज 22 सीटें मिली थी, वो भी तब जब आदरणीय रामविलास पासवान जी और उनकी पार्टी लोजपा उनके साथ थी, अब वो भी हमारे साथ थे, तो 22 सीटों को पाना भी उनके लिए कठिन काम है, जबकि 25 की संख्या पानी होगी अगर आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर बना रहना चाहते हैं, और स्वयं भी चुनाव जीतना होगा। तो अब तेज प्रताप और तेजस्वी के लिए भी चुनाव जीतना एक चुनौती है। पिछली बार तो नीतीश जी उनके साथ थे और उनके सहारे लोग विधानसभा में पहुंच गए, तो दो चुनौतियां सामने हैं, एक तो तेजस्वी विधानसभा में पहुंचे और दूसरी कम से कम 25 विधायक उनके विधानसभा में चुन कर आए, तभी वे प्रतिपक्ष का नेता पद पे बने रह सकते हैं, लेकिन इस पद को बचाए रख पाएंगे इस पर मुझे संदेह है।